निगलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार स्टेट से संबंधित है। बिहार स्टेट में सामाजिक विज्ञान का परीक्षा हो रहा है, उसमें कुछ प्रश्नों को दोहराया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपका परीक्षा है कल या इसके आगे जो भी डेट है उसमें, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। हम इसमें बताएंगे भी, ये कुछ प्रश्न भी आ रहे हैं, वो प्रश्न आ रहे हैं जो कल भी पूछा गया था, आज भी पूछा गया था। कल वो सेकंड सिटिंग में पूछा गया था, आज ये थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। आज हम 16 सितंबर, आज यानी 16 सितंबर 2020 थर्ड शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए हैं आपका हिस्ट्री और आपका पोल साइंस में, उन प्रश्नों को हम लेंगे प्रवीण जी से। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका सोशल साइंस है तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, केवल देख लीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि जो भी वो प्रश्न रखें उसका उत्तर भी वो दें, लेकिन हो सकता है कि उत्तर वो गलत भी हो सकता है, इसलिए आप अपना जांच पड़ताल पूरा अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। नहीं तो कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन वगैरह से भी बहुत सारी चीज उठ रहे हैं, उस पर हम चर्चा किसी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पूरा अच्छे तरीके से नहीं बता पाया गया था क्योंकि माध्य वगैरह निकाल के उसको बनाया जाता है। तो या तो हम जो भी थे उनसे हम कहेंगे कि एक पर्सनल वीडियो बना के वो भेज दें, अगर आप लोग कहेंगे तो। देखो फिलहाल अभी परीक्षा हो रहा है, 21 तारीख तक ये क्लोज होगा। 21 तारीख तक अगर जिसका भी परीक्षा है वो आराम से पूरे अच्छे तरीके से जरूर दें। तो चलिए सबसे पहले बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसमें हम वेलकम करते हैं प्रवीण जी का। स्वागत है प्रवीण जी आपका हिंदी क्लब में। जी सर। प्रवीण जी, आज जो आपका थर्ड शिफ्ट में जो परीक्षा हुआ है उसमें हम चाहेंगे कि जो भी आपका हिस्ट्री या पॉलिटी में प्रश्न पूछे गए हैं उसे लगातार बताएं, क्योंकि आप जानते हैं। अच्छा एक बात बता दीजिए सबसे पहले कि आज कुछ प्रश्न ऐसे पूछे गए हैं जो पिछली बार भी पूछे गए थे। जी सर, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन था पटना मतलब कि उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी ये भी प्रश्न पूछा गया 1916 ईस्वी में। 1916 ये पूछा गया था प्रश्न, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे ये कंटिन्यू करेंगे तो लगातार आप प्रश्न उत्तर सुनते जाइएगा। आपको डाउट लगेगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन था सर, एनसीटीई का पूर्ण रूप क्या है। ये भी आपका प्रश्न पूछा गया था, ये मैथ वगैरह किसी सब्जेक्ट में पहले पूछा गया था। अच्छा आप बता दीजिए जो भी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। लगातार बोलते जाइए नेक्स्ट करके। उसके बाद सर था कि वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, उल्लूक या कनाद। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने किया था, धर्मपाल। पद्मावत की रचना किसने की, मलिक मोहम्मद जायसे। इबादत खाना की स्थापना किस मुगल शासक ने की थी, अकबर। किताब उल हिंद किनकी रचना है, अल बेरूनी की। ठीक है आगे। शेरशाह का मकबरा कहाँ है, सासाराम में। एगो टेंथ से हिस्ट्री का क्वेश्चन था जी, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किन्हें कहा जाता है, तो ये इसका आंसर होगा चार्ल्स मेटकॉफ। गोलघर का निर्माण किस वर्ष हुआ था, इसका आंसर होगा सर 1786 ईस्वी में, जॉल गेस्टिन किए थे। उसके बाद था अरविंद घोष का जन्म कब हुआ था, ऑप्शन था 15 अगस्त 1871, 15 अगस्त 1872, 15 अगस्त 1873, 15 अगस्त 1874। हमने सर इसमें माना 15 अगस्त 1872 क्योंकि कंफर्म नहीं थे, लेकिन यहाँ आके देखे तो गॉड का कृपा से सही हो गया। ठीक। खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे, अली बंधु। पूरा प्रस्थान काल में मनुष्य क्या करते थे, शिकार करते थे, कृषि करते थे, मछली पालन करते थे। ये ऑप्शन था, तो इसमें हम मारे थे शिकार करते थे। सिंधु सभ्यता के किस स्थान में घर के दरवाजे गली की ओर खुलते थे, ऑप्शन था लोथल, चन्हुद्रो, कालीभंगा और एक और कुछ था, तो हम इसमें चन्हुद्रो मारे। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसमें था अगस्त क्रांति, तो यही अगस्त क्रांति मारे थे। तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, बौद्ध से क्वेश्चन था सर एक, तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, इसका आंसर होगा अशोक। उसके बाद सर एक क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोग
किसकी पूजा नहीं करते थे? ऑप्शन था शिव, मातृ देवी, पीपल ब्रिज, विष्णु। तो हम इसमें विष्णु मारे हैं। ऋग्वेद में वर्णित दशराग युद्ध किस नदी तट पर हुआ था? ये रावी या पुरोशनी नदी तट पर हुआ था। इलाहाबाद स्तंभ लेख के रचनाकार कौन है? हरिसेन। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। और ऑप्शन था सर, किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? उसमें था ऑप्शन में पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार। इसका हम मारे थे बंगाल। उसके बाद अगला क्वेश्चन था सर, पॉलिटिकल से है, वित्त आयोग का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 280। मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन में था अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, आयरलैंड। हमारे इसमें सर रूस। उसके बाद अगला क्वेश्चन था, ये शायद लुसेन से था, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? एस भंडार नाइक। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। और एक करेंट में अभी हमको मिला था, भारत के प्रथम CDS कमांडर एंड चीफ स्टाफ कौन है? जनरल बिपिन रावत। हम मारे थे। उसके बाद सर, उसके बाद 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद सर क्वेश्चन था, वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अध्यक्ष कौन है? ठीक, ये क्वेश्चन था। और उसके बाद साइकोलॉजी से हमको 2-3-4 याद है जो उस साइकोलॉजी से है सर। एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो इसमें हम मारे थे सर स्पीयरमैन। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन था सर, साइकोलॉजी किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन था लैटिन, यूनानी, चीनी या रूसी। तो हम मारे थे लैटिन इसमें। ठीक, साइकोलॉजी है दो शब्दों से मिलकर बना। चलिए ठीक है, आगे नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन था, थॉर्नडाइक ने किस जानवर पर प्रयोग किया था? ऑप्शन में सर था कि कुत्ता, बिल्ली, कबूतर, चूहा। तो हमने मारा बिल्ली। बिल्ली ही होगा। थॉर्नडाइक बिल्ली पे किए थे, पेवलोव जो है कुत्ते पे किए थे, उसके बाद चिंपैंजी पर किए थे ये कोहलर। कोहलर किए थे हाँ, और चूहा पे किए थे शायद स्किनर। स्किनर किए थे, कबूतर भी पे भी किए थे, चूहा पे, चूहा पे किए थे, और इसके बाद बिल्ली थंडाइक किए थे, कुत्ता पे किए थे। हाँ, वो ला टपकते रहता है तो उसपे वो किए थे। तो ये सारे थी, और कोई क्वेश्चन? स्टिमुलस था। और एक क्वेश्चन और याद है सर, जो थॉर्नडाइक किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिका, रूस, चीन। तो हमने इसमें मारा था अमेरिका। ये सारे क्वेश्चन हो गए, तो ये आपके लिए बेनिफिट हो सकता है क्योंकि कुछ प्रश्न जो हैं वो दोहराए जा रहे हैं। और जैसे में हमने NCT देखा था, NCT वाला जो क्वेश्चन था ये आपका इसमें आया होगा, शिक्षण में। जी सर, जी शिक्षण कला में आया होगा। तो ये सारे क्वेश्चन कुछ रिपीट हो रहे हैं, कुछ जितने क्वेश्चन बताए गए हैं उसे जरूर देख लीजिएगा, उसके आसपास भी जरूर देखिएगा। जैसे कोई हिस्ट्री का क्वेश्चन या सिविक्स का क्वेश्चन जो उन्होंने बोला है उसके आसपास भी जरूर चेन जो बन सकता है। 2-4 क्वेश्चन और था कि ये क्वेश्चन था कि महात्मा गांधी ने जो वो असहयोग आंदोलन वापस ले लिए थे, वो वाला भी क्वेश्चन था कि मतलब कि जो किस लिए ले लिए थे, वो बहुत हिंसा जो उग्र हो गया था ना, जहाँ जहाँ उसी के लिए, उसी के लिए। तो ये ऑप्शन में था किस लिए ले लिए थे। हाँ हाँ, वापस ले लिया था, 4 ऑप्शन दिया था। अच्छा। और 4-5 क्वेश्चन था जो कूट से था। कूट से था कि 4 गो इधर दे दिया, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध, और ये चौसा का युद्ध। ऑप्शन में 1526। अच्छा, ये पानीपत युद्ध आपको याद है तो लगता है बता दीजिए। पानीपत का प्रथम युद्ध सर 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। और द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था अकबर और हेमू के बीच।
और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था, मोहम्मद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था सर। कोई ये जरूर पानीपत वाले से क्वेश्चन आ जाते हैं इधर उधर से, इसमें तो मिलान करने वाला था, कोई ये बिना मिलान करने वाला भी आ सकता है। पानीपत का युद्ध जो अभी बताया गया किसके बीच हुआ, कब हुआ, ये प्रथम है द्वितीय तृतीय है, कोई ये पूछा जाता है, कोई इसे एक नजर देख लीजिएगा। और कुछ महत्वपूर्ण ये सारे क्वेश्चन, और भी कोई क्वेश्चन बोलना चाहते हैं जो आया था? और क्वेश्चन सर उतना माइंड में नहीं चलिए है। ठीक है, जितना बताया अपना वो काफी है, और मुझे लगता है कि शॉर्ट टाइम में ही आपको कुछ याद आ गया होगा। इसके चयन भी जरूर देखिएगा, जैसे हमने बताया पानीपत युद्ध, तो पानीपत में हमने सन बताया आपको, साथ में किसके बीच हुआ, ये प्रथम है द्वितीय है, क्या है पानीपत का प्रथम युद्ध है, द्वितीय युद्ध है, तृतीय युद्ध कौन सा है, कब हुआ, साथ में किनके बीच हुआ, ये तीन तरह के प्रश्न बन रहे हैं। तो ये सारी चीज आपको याद होना चाहिए, इसी तरह चयन बनते हैं और ये चयन याद रहेगा तो निश्चित ही आप टिक कर सकते हैं, अच्छा मार्क्स पा सकते हैं। अच्छा, इतना सारे क्वेश्चन जो आपको याद है, तो आपको क्या लगता है किस पे ज्यादा मतलब तैयारी किया था आपने, किस किस चीज बुक से, लूसेंट है या एनसीईआरटी का पढ़ा था आपने, क्या पढ़ा था? क्योंकि सर हम लोग जनरल कंपटीशन से तैयारी में जुटे हुए हैं, और एक्चुअली है कि बहुत सारे एग्जाम में रिजल्ट होती है लेकिन फाइनल रिजल्ट नहीं होती है, तो वही प्रिपरेशन बुक से भी तैयारी किए थे। 9th-10th की बुक से हम चारों पढ़ रहे थे, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस, चूंकि साइंस वाले को पूछ रहा था, फिजिक्स पूछ रहा है, मैथ पूछ रहा है, केमिस्ट्री पूछ रहा है, तो हम लोग को भी बिलीव हो गया था कि चारों से हम लोग सबको पूछेगा। लेकिन जब 14 तारीख को या 15 तारीख को फर्स्ट एग्जाम हुई, उसमें पता चला था कि सर गए थे देने के लिए और सर फ्रेंड गया था देने के लिए, उसमें पता चले कि आपको चार ऑप्शन स्क्रीन पे मिलेगा, चार में से दो आपको देना है। तो यहाँ पे बताइए कि तैयारी किससे कर रहे थे आप? तैयारी सर बुक से भी किए हैं, और दोस्त से, दोस्त अपने ग्रुप जो दोस्त डिस्कशन करके, अच्छा टॉपिक वाइज डिस्कशन भी होता था कि ये सारी चीज है जो अच्छे मार्क्स, सबसे जरूरी है डिस्कशन करना, सबसे जरूरी है सर डिस्कशन, अगर वो करते हैं तो उस दिन क्लियर हो जाता है। डिस्कशन में क्या होता है सर कि माइंड में है ना, एक बार अगर गूंज गया ना तो वो आपको एग्जाम हॉल में आपको निश्चित है कि आपको वहाँ पे आता है। अच्छा अभी काउंट, अच्छा आपका काउंटिंग वगैरह हुआ, कितना मार्क्स आ रहे हैं लगभग? अभी सर काउंट नहीं किए। चलिए ठीक है, ये अलग चीज है, अलग मुद्दा है सारी चीजें, अब यहाँ डिफिकल्टी लेवल का भी चर्चा करेंगे लेकिन ये नेक्स्ट कभी होगा। फिलहाल आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो एग्जाम आराम से दीजिए, अच्छे से दीजिए। जो लोग कह रहे हैं कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, वो तो चलते ही रहता है। एग्जाम आपका बहुत दिन के बाद कैंसिल हुआ, दोबारा एग्जाम कब हुआ, यानी सबसे पहले एग्जाम हुआ, एग्जाम होने के बाद लास्ट टाइम केस का आया जब रिजल्ट के समय, फिर कैंसिल हो गया, फिर ये हो रहा है, फिर ये सारी चीज चलते रहेंगे, तो ये अलग चीज है। लेकिन आपको अगर एग्जाम देना है तो अच्छे तरीके से दीजिए, बाकी जो हो रहा है उसको छोड़ दीजिए ऊपर वाले के हाल पे। जी बोलिए। एक दक्षिण अफ्रीका क्वेश्चन था, कि दक्षिण अफ्रीका में जो हुआ था नेल्सन मंडेला वाला, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था, उसमें आंसर नेल्सन मंडेला दिए थे। अच्छा दक्षिण अफ्रीका का जो था, तो चलिए ये सारे क्वेश्चन थे आपके, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। और प्रवीण जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हिंदी क्लब से जुड़े। थैंक यू। ओके, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।